सारे दायरे जो है वो सारे आपने उलान दिए है, बहुत ही अजीब सी चीज़ आपने अच्छा है कि क्या चल रहा है सबसे पहले आपके जहन में? हमारे घर में ऐसा कुछ हुआ है कि जिससे मैं नाराज़ हूँ और मैं इतना बड़ा डिसीजन ले रहा हूँ अपनी बहन के प्रति, तो बस उसी का हम सीक्वेंस शूट कर रहे थे अभी, जहाँ पर एक चिता है उस पर एक तस्वीर है जिसको मैं जला रहा हूँ और वो यादें वो सारा कुछ मिटा रहा हूँ अपने घर से अपनी ज़िंदगी से, और उसी का हम सीक्वेंस प्ले कर रहे थे। जो जिंदा है उसकी चिता जलाना थोड़ा? हाँ, उसे नहीं जला रहे ना, सिर्फ तस्वीर को जला रहे हैं। पर उमा शंकर वैसा भी कर सकते हैं शायद? कैसा? अभी आपका ये जो बर्ताव, उमा शंकर का जो बर्ताव आपने देखा, आपको आपको देख के नहीं लगता ये तो डायरेक्ट उमा शंकर अपने धर्म के लिए अपने धर्म के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं अगर वहाँ एक लड़की होती? ये तो है कि उमा शंकर अपने धर्म धर्म जहाँ पर उनको लग रहा है कि धर्म का उल्लंघन हो रहा है तो वो उसके खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं, और यही हो रहा है धर्म के नाम पे काफी हद है। और इन्होंने मुझे धर्म की राह से भटकाया, तो इसीलिए मैं भटकाया नहीं, आपको सही राह दिखाने की कोशिश की। आगे बताइए। कनक की सोच है काफी आपने रोकने की कोशिश की लेकिन उल्टा भारी शायद आप पे पड़ गया वो चीज़। हाँ, वो कहते हैं ना अगर आप कुछ अच्छा करने जाओ तो रास्ता हमेशा ईजी नहीं होता है, रोड ब्लॉक्स तो आते ही हैं, बट कनक हार नहीं मानती। अब हालांकि उन्होंने अभी मुझे धक्का दे दिया, हाँ। पर मैं उठ के फिर से इनसे लड़ी। तो क्यों आप करते हैं ऐसे? कितनी प्यारी सी है वो, क्यों है, कैसे दिल मानता है आपका ये? आपका कैसे दिल नहीं मानता ना, ये दिल पे पत्थर रख के करनी पड़ती है ये चीज़, तो इसलिए आप धर्म की राह पर चलो तब आपको पता लगेगा। ओके, लास्टली कहना क्या लगता है धर्म के नाम पे अभी तक बहुत कुछ करते हुए आ रहे हैं, आपने बहुत कोशिशें भी की हैं, क्या लगता है आपकी कब आप समझा पाएंगे पूरी तरह से इनके दिमाग? आज नहीं तो कल इन्हें समझा ही दूंगी, पर हार नहीं मानूंगी। ऐसे ऐसे मैं बोलूँ क्योंकि आफ्टर ऑल अभी उमा कनक के पति देव हैं और इन्हें सही राह दिखाना कनक का फर्ज है ताकि ये एक बेहतर ज़िंदगी जी सके और इस अंधकार से बाहर आ सके, तो पूरी कोशिश इन्होंने बोल दिया इतना कुछ। मैंने तो आपको डेट भी बता दी है।